जापान में 65 साल के शिंजो ने दिया पीएम पद से इस्तीफा। आंत से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं आबे। परीक्षा टालने के लिए 6 राज्यों में खटखटाया एससी का दरवाजा। फैसले पर पुनर्विचार की अपील। हवाई यात्रा के नियम, उड़ान के दौरान फिर से परोसा जाएगा भोजन। मनोरंजन सुविधा भी हुई शुरू। पंचकुला में शुक्रवार को 77 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर 30 सितंबर तक संपन्न होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। अब हरियाणा शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें। पंजाब विधानसभा सदन में गूंजा स्कॉलरशिप घोटाला। मंत्री धर्म सोत की बर्खास्ती की मांग की। विपक्ष ने मामले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन दी चिंतपूर्णी हलके को करोड़ों रुपए की सौगात। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।